यार मैं एक सेशन में था लाइव उसका। हाँ हाँ बोल भाई। नेशनलिस्ट ड्यूड व्हाट यू वांट टू से। मैं एक सेशन में था अपने बच्चों के साथ, तो आई वाज जस्ट लाइव देयर। लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। इंस्टा लाइव में बंद कर रहा हूँ। किसी भी बच्चे को कोई भी सवाल होगा ना, वो बच्चा मेरे को पर्सनली डीएम कर देना यार। मैं बाद में देख लूंगा, रात को मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा सबको। ठीक है, आई होप इट इज इनफ। 40 मिनट्स का हो गया लाइव लगभग। तो बच्चों ये डुअल लाइव चल रहा था, इंस्टा लाइव मैंने यहाँ पे कैमरे से करा हुआ था। तो ये बच्चों की बातें जो इंस्टाग्राम पे बच्चे देख रहे थे ना काफी सारे, उन्होंने भी सुन ली। और इसका रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे डाल देंगे, तो काफी सारे बच्चों को हेल्प हो जाएगी। हाँ ऋतिक आ गया, आने दो इसको, लेट हिम रीजॉइन। The person you have called is speaking to the person you are calling is. चलो ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो वो कुछ बोल रहा था बीच में, उसकी बात अधूरी रह गई, तो उस वाली बात को इसका पूरा करते हैं, फिर तुम लोगों को पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। आई थिंक जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, शेयर कर देता हूँ ये वाली वीडियो। टॉपर्स स्टॉक करके इंस्टा पे सेव कर देते हैं। इंस्टाग्राम पे उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आई है, पर तुम लोगों की क्लास में। हाँ अच्छा खासा आया है। कैमरा बंद है, टेंशन मत लेना, कैमरा चल नहीं रहा मेरा। चलो तो ऋतिक आ जाएगा। आ गया ऋतिक, आई थिंक इसका स्पीकर और कैमरा भी ऑन हो जाएगा। हाँ ऋतिक कुछ बोल रहा था तू यार, अब हाँ बता। सर, मैं ये बोल रहा था सर, फर्स्ट जॉब भी आपको याद हो आपकी ऐसे लगी थी जब मैं 2021 बैच में था। इतने बच्चों की नौकरी लगवा आपने दी कि मैं भूल चुका हूँ। आपने बोला था कि जॉब करो जॉब करो जॉब करो, तो मैंने आपको पूछा था सर कल इंटरव्यू कॉलेज में, तो जीडी टॉपिक्स दे दो, तो आपने टॉपिक्स भेजे थे कुछ मुझे तैयारी करने के लिए। आ उनमें से गया एक टॉपिक फंसा था इलेक्ट्रिक कार वाला। इलेक्ट्रिक कार का फंसा था मेरे एसएसबी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल का फंसा था। मैंने इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी चलाई है काफी साल, मैं तो पेल लिया था भाई जब एसएसबी आया था ना। मेरे को बंदे बोल रहे यार इतना कैसे बोल सकता है तू ईवी के ऊपर। मैंने कहा भाई तुमको पता नहीं है भाई, 3 साल से इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा है और भाई का नेटवर्क बहुत तगड़ा है। तो मैं पूरे दिन क्या करता था, हाँ मैं इंजीनियर यार, तो मेरी वो इंजीनियरिंग वाली स्पिरिट तो जा नहीं सकती, मेरे खून में तो इंजीनियरिंग ही है ना। तो मेन मुद्दा ये है यार कि अप्रोच रहनी चाहिए अच्छी, मेहनत आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, आपको अपना सिलेक्शन के लिए खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऋतिक है, अभी ये सेशन भी हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको यूट्यूब पे नहीं डालेंगे। यहाँ पे ऋतिक है, पुराना बच्चा है काफी। यहाँ पे किसी के भी मन में कोई सवाल है ना, तो लेट इट मेक इट अ इंटरेक्टिव सेशन, लेट्स मेक इट अ इंटरेक्टिव सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अपना माइक ऑन करके तुम ऋतिक से यहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हो, वो तुम्हें आंसर कर देगा। किसी के मन में कोई सवाल है, कोई बच्चा है जो पूछना चाहता है ऋतिक से, तो ये तुम्हारे लिए तो बड़ा ही है, तुमसे तो एज में बड़ा है, तो बता देगा, मना नहीं करेगा। मेरे सामने थोड़ी ना मना करेगा, पीछे भले ही कर दे। हाय तो हाँ ईशान कुछ बोलना चाह रहा है ऋतिक, इसको क्या पूछना चाह रहा है। हाँ ईशान शान, बताओ। हाय ऋतिक, हाय। मुझे जानना था कि तुम सब्जेक्ट वाइज कैसे अप्रोच करते हो पेपर अच्छा, तो मुझे बस एक चीज बताना कि आप IMA के लिए जा रहे हो, OT के लिए जा रहे हो। IMA IMA के लिए जा रहे हो, ठीक है। देखो IMA में आपको सिंपल सी एक चीज बता देता हूँ। IMA पे आपको जहाँ खेलना है वो आपका इंग्लिश और मैथ्स होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो बैकअप होगा, जो आपको PDF में लाएगा, वो आपका GK लाएगा।
क्योंकि मैंने बहुत से बंदों के अप्रोच देखी है, इंग्लिश में 80 ले आएंगे, उसमें ले आएंगे 40, हो गए पास, बट वो ये भूल जाते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ होती है सीडीएस में। जीके को दरकिनार करा, जीके ले डूबेगा, ठीक है। तो आपका ये ओके, बताओ कि आपका जीके कैसा है, अगर मैं वन मैं से टेन एक्चुअली किसके अभी आप प्रिपरेशन किस नंबर चालू पे किया है, दोगे? मैं बीटेक के सेकेंड ईयर में। ठीक है, कुछ तो जीके में होगा ना, मतलब कुछ तो होगा। अगर 1 से 10 के स्केल पे पूछ लूँ मैं कि जीके इतना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपने न्यूज़ ही नहीं देखी हो, मैं आप तुझे एनवायरनमेंट में नहीं थे। इसका मैं तुझे बताता हूँ, ये आया है अपने लास्ट बैच में, जब आया था ये लास्ट बैच में ज्वाइन किया था इसने एंड में एकदम। तो अभी इसका ये मान ले कि पूरी तरीके अच्छा बताऊँ तो इसका अभी स्टार्ट हो रहा है, इसको थोड़ा बहुत आइडिया है। जो लास्ट बैच में 1 महीने पहले ज्वाइन किया था ना तूने, जब खत्म हो रहा था बैच, ईशान हाँ यस, लास्ट वीक जब बैच खत्म हो रहा था आपका। बैच खत्म हो रहा था लास्ट वीक इसने ज्वाइन किया था। मैंने कहा तू अभी आ जा, तेरे पास टाइम है, क्योंकि इसके पास एक टाइम है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में घुसेगा, इसके पास 1 साल है एग्जैक्ट। तो उसको तो उस हिसाब से बता कि क्या क्या चीजें करे, दिमाग में क्या रखे है। हाँ 1 साल है ना पूरा, हाँ ठीक है। ईशान देखो, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, सबसे पहली बात आपको जो करना है वो अपना स्वॉट एनालिसिस करना, ठीक है। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे आप मैदान में नहीं उतर सकते, ठीक है। पहली चीज होगी आपकी स्वॉट एनालिसिस, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, मैथ स्ट्रांग है, जीके स्ट्रांग है, ठीक है। वो होता है आपका ऑन पेपर, मैं लिटरली बता दे रहा हूँ, ऑन पेपर है, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ोगे विद इन अ वीक आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा टॉप में लेना है, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका मीडियम है उसको दोस्तों थोड़ा पुश करना है, और जो सब्जेक्ट आपका टोटली जिसमें नल्ले हो आप, लिटरली स्पीकिंग, जिसमें आपका विकेट उठ रहा है बार बार, ठीक है, उसमें भाई सिंपल सी बात है, उसमें लग जाओ, ठीक है। क्योंकि पेपर में आप आईएमए के लिए जा रहे हो, आपको बहुत से आपके साथ के बंदे मिलेंगे जो आपको एडवाइस करेंगे इंग्लिश और मैथ्स संभाल ले, जीके तो हो जाता है, ठीक है। लिटरली मैं बता रहा हूँ भाई, वो ऐसे बंदे हैं जो पेड़ पे चढ़ा देंगे, उतारेंगे भी नहीं बाद में, पेपर फेल आप करते रहोगे, ठीक है। जीके का शिवम सर की बहुत ही स्ट्रेटेजी होती है, वो आपको जो बता रहे हैं जीके में बिल्कुल वैसे करते रहो, अगर आपके जीके स्ट्रांग नहीं है तो। खुद का दिमाग मत लगाना, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैथ्स में इंग्लिश में सिलेबस लिमिटेड होता है, आपको पता है, ठीक है। जीके यूपीएससी का जीके समंदर है, आप ये नहीं कह सकते कि अरे इन्होंने तो इंडियन ज्योग्राफी बोली थी, भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन डाल देते हैं वो लोग, क्या कर लोगे आप, ठीक है। वहां पे जाके फिर आपको एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होगा, फिर आपको शिवम सर याद आएंगे, 10 बार बोला था एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, कोई फायदा नहीं उस चीज का वहां पे, ठीक है। तो यही स्टडी सबसे बेस्ट है, पहले आप स्वॉट एनालिसिस करो, उसके बाद आप सर के साथ तो क्लास में ज्वाइन ही करो, सेल्फ थोड़ा बहुत अपना पढ़ते रहो, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैं कहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ, कहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। सर को कॉल करो, सर तुम्हें डेली बेसिस पे वॉच करते हैं, सर को पता चलेगा कि आपको कैसी चीज कहाँ समझानी है। और मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, लिटरली जब सर मुझे कुछ समझाते थे ना, भले ही मुझे वो टॉपिक कितनी बार भी आता हो, क्योंकि मैं खुद आर्ट्स बैकग्राउंड का था, ठीक है, मुझे वो टॉपिक खुद कितनी बार भी आता हो, मैं सर से सुनता था शांति से, मैं अपना दिमाग नहीं लड़ाता था उस टाइम पे, क्योंकि अगर आपको पूछना पड़ रहा है इनफैक्ट आपको वो चीज नहीं आती, ठीक है। तो वहां पे अगर आप दो दिमाग एक साथ लगाओगे कि सर से भी सुन रहा हूँ, अपना भी दिमाग चला रहा हूँ, ना तो सर का समझ में आएगा ना खुद का समझ में आएगा, ठीक है। सेम विथ योर मैथ्स, सेम विथ योर इंग्लिश, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ सीडीएस में सबसे बड़ा दुश्मन है उन बंदों के लिए जो किसी भी एक या किसी भी दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के पीछे भागते हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, आईएमए में इंग्लिश में टॉप मारा है, मैथ्स में अच्छे नंबर लिया है, पर पीडीएफ में नाम नहीं था। आपका बैकग्राउंड कौन सा है? बीटेक बीटेक वाला है, मैं बीटेक स्टूडेंट है हूँ। भाई, जीएस में बीटेक वालों की तो बहुत बुरी हालत होती है, मैं सही बता रहा हूँ आप लोग 10 क्लासेस छोड़ के बैठे, ठीक है, तो जीएस तुम्हें टफ पड़ेगा। अब तो मैं तुम्हें बोलूंगा भाई जीएस पे फोकस कर लियो, ठीक है। सीएम सर भी इंजीनियर थे, तो श्योर श्योर, उन्होंने जीएस पे काबू पाया हुआ है, तो उनसे सीखोगे बेटर रहेगा, जीएस ठीक में है। टेंशन मत लो यार, तुम्हारा पेपर में से कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला। अच्छा एक बात बता, चल एक यहाँ पे बात हो रही है इस चीज के बारे में, टॉकिंग अबाउट, तुझे क्या लगता है कि जो मैं क्लास में तुम लोगों को नोट्स दिए थे, जो क्लास में अपन ने नोट्स से पढ़ाई करी थी, क्या वो नोट्स हेल्पफुल थे या उसके अलावा भी दाएं बाएं? और मैं रेफरेंस वीडियोज भी भेजता था, तुझे याद होगा मैं स्टडी आईक्यू की भेजता था,
है ना, अच्छे अच्छे एजुकेटर्स की वीडियो भेजता था मैं, ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ सर्वज्ञाता, मैं अच्छे टीचर्स की वीडियोस भी भेजता था कि भैया ये भी देख लेना एक बार, है ना, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा सॉल्व हो जाए। अगर दाएं बाएं का भी क्वेश्चन आ जाए, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज ऑलवेज ऑलवेज बी देयर, यूपीएससी है, मैं खुदा तो हूँ नहीं, ना मैं एग्जामिनर के लेवल पे हूँ, ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और अपने नॉलेज बेस के एक्सपीरियंस पे पढ़ाता हूँ, और वो हमेशा से काम किया है वो चीज, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग माई सेल्फ, मेरे को पता है सीएससी के पेपर में क्या हो रहा है, मैं पढ़ता रहता हूँ मैं दिन भर में, तो मैं लगता होगा कि सर को तो यार क्या है, सर मैं नोट्स बना के पीडीएफ बना ली, फोल्डर बना दिया, खोल लेते हैं आके पढ़ा, नहीं भैया पढ़ना पड़ता है, अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, हर बार मेरी हर बैच नया होता है, हर बैच में एक्सपीरियंस नया होता है, हर बैच में क्वेश्चन नए होते हैं, हर बैच में अप्रोच चेंज होती है, और हर बैच में सिलेक्शन भी बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं अपने सिलेक्शन हर बार, ठीक है, पहली बात तो मैं इतनी भीड़ बढ़ाता नहीं, तुम लोगों को पता है अपने बैच छोटे होते हैं हमेशा, आई टेक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देन आई वर्क अप ऑन देम, और कुछ सिलेक्शन आ जाते हैं जो मेरे लिए बहुत है, तो मेरे पास लाइफ में और भी काम है ना, मेरे को नीडी बच्चे चाहिए, मेहनती बच्चे चाहिए, जिनको करना है यार उनको मदद चाहिए, ठीक है, भीड़ बढ़ा के मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है मैं 100 बच्चे पढ़ाऊंगा तो भी SSB में 3 से 4 ही होने वाले हैं, तो राधा दिन मैं 15 बच्चे पढ़ाऊँ और उसमें से 15 को सेलेक्ट कराऊँ और उनका सबका SSB क्लियर कराऊँ, तो दैट इज अ बेटर थिंग, पैसा तो बहुत तरीके से कमा रहा हूँ, वो मैटर नहीं है, तो तुझे क्या लग रहा है, तू एक चीज बता, तेरे अपने नोट्स हेल्पफुल थे क्लास वाले जो मैंने कंसाइज करके दे रखे हैं इनको PDF बना के, वो बता। सर देखो, आपने एकदम उसमें पॉइंट टू पॉइंट बुलेट पॉइंट्स में दिए थे, मतलब जिसके लिए मुझे पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता। मैं दो तीन पॉइंट्स में उस पैराग्राफ का कंक्लूजन ले गया उठा के सीधा। वो सबसे पहली बात तो टाइम एफिशिएंट चीज थी, ठीक है। बट मैंने जो बंदों में देखा है, वो बंदे क्या करते हैं, उनको आप ढंग की चीज दे दोगे ना बना के, तो उनके चुल उठती है कि इतना थोड़ा पूछेंगे। वो सीधा जाएंगे उस पे गूगल पे DISTIS डालेंगे, फालतू में इतना बड़ा पढ़ के जाएंगे, ना तो इधर का याद होता है ना उधर का याद होता है, और फिर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की जय हो, यूपीएससी है ही, वो गिरा देता है। तो वो एक चीज है, मैं इसलिए बोल रहा था कि अगर आप सर के पास आए हो तो फिर सर जैसा बता रहे वो करो, अपना दिमाग लड़ाओ, लेकिन ओवर स्मार्टनेस नहीं करो कि हाँ मैं तो खुद से कर लूंगा। उससे नहीं हो रहा था तभी तो यहाँ हो, और यहाँ हो तो पूरी तरीके से यहाँ होना चाहिए, ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ रोल ऑफ अ मेंटर इज, मैं आई वाज नॉट, मेरे को टीचर्स मिले बट मेरे को रिटन एग्जाम्स के लिए पर्टिकुलरली मैंने देखा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सच सच, मैंने बैंक एग्जाम्स की बहुत तैयारी करी, SSC SSC की बहुत तैयारी करी, पर डिफेंस की तैयारी के लिए मैं जिन जिन कोचिंगों में गया ना, जहाँ जहाँ पे मैंने देखा सब पागल ही बनाए लोगों को, तो मैंने ये सोचा था कि कभी अगर भविष्य में मेरा सिलेक्शन अगर नहीं होता है, आई एम नॉट एबल टू बिकम एन ऑफिसर, तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा वो चीजें जो कोई नहीं पढ़ाता, जो किस जो उस अप्रोच से जो कोई नहीं पढ़ाता, बच्चों को रट्टा मारो, मैं हमेशा समझा के पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि तुम एक लेवल पे आ जाओ मेरे वाले लेवल, जैसे ऋतिक है, आई थिंक मैंने मैंने शुरुआत में भी देखो ये बोला हुआ कि यार एक टाइम ऐसा आएगा जब तुझे मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक अब तुझे मेरी जरूरत पड़ती नहीं है, तू और चीजों के लिए कॉल करता है, तो यस पढ़ाई के लिए कभी कॉल नहीं करता मेरे को, क्योंकि तू एक बार कर चुका है, तेरे को समझ आ गया गेम, है ना, सेम विद हेमंत, सेम विद सर, बाकी और बच्चे जो पास हो रहे हैं अपने बार बार, सो आई विल मेक यू इन ऑटो पायलट मोड, बट बस उसके लिए तुम्हें एक बार बैच में तमीज से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा ब्लाइंड फेथ होना चाहिए कि यार आप किसी पे, विदु जामवाल की एक वीडियो थी है ना, एक आई विल सेंड यू दैट विदु जामवाल वाला वीडियो, कि अपने गुरु पे भरोसा होना जरूरी है, जब भी मैं किसी गुरु के पास जाता था, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट लाइक यू, तो आई हैव लॉट मेनी ऑफिसर, जैसे अखिलेश भार्गव सर हो गए और ग्रुप कैप्टन AK श्रीवास्तव सर, एंड देन आई व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर SSB, आई थिंक यू गाइस माइट हैव सीन दिस बुक, ये वाली किताब होगी ऋतिक तेरे पास होगी, ये वाली किताब अवेकन योरसेल्फ विद न्यू, है ना, यस सर, है। ये वाली किताब, तो ये इसकी अप्रोच जो होती थी इस बुक की बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो मैं पढ़ता था, तो मतलब, और देन द ऑप्शन हुआ रिटन रुद्र सर ने लिखी थी ये किताब, तो मैं पर्सनली उनका वर्कशॉप अटेंड किया, तो मुझे बहुत बिलीव था, मैं मेरे सामने एक बार चैलेंज ये था जब मैं तैयारी कर रहा था तुम्हारी तरह, मैंने अब ये तुम्हें हो सकता है ज्ञान वाली बातें लग रही, बट बिकॉज हम एक ऐसे सिलेक्शन सिस्टम में है, क्लास में एंट्री है कि हमें ये सारी चीजें जानना जरूरी है, कि पेपर तो पास कर लोगे, SSB में फंस जाओगे, तो मेरे साथ चैलेंज ये था कि मैं पेपर पास कर ले रहा था, मेरे साथ दिक्कत क्या आ रही थी, मैं स्क्रीन आउट हो रहा था बार बार, FCAT में स्क्रीन आउट हो रहा था, एंड मेरे पास एक टैग का SSB आया, आई डू नॉट वॉन्टेड टू गेट स्क्रीन आउट, TGC 47, सॉरी SSC टैग 47, TGC नहीं था, एंड देन आई कनेक्टेड विद दैट फेलो ऑफिसर कि सर मेरे को हो रहा है डिप्रेशन, आई एम इन इलाहाबाद, आई एम आई SSB मॉर्निंग रिपोर्टिंग, मेरी मॉर्निंग में है, मैं बीटेक एंट्री है मेरी, और मेरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर पता है कौन था ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव, ठीक है, उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और मुझे तो पता नहीं था कि बाद में जाके ये मेरी टीम में जुड़ जाएंगे, उन्होंने बोला कि तुझे मैं स्क्रीन आउट नहीं होने दूंगा रुद्र सर दे, उन जिस जिस बंदे ने किताब लिखी है ना,
तो ज्यादा मैं डिटेल तो नहीं दूंगा, ये दिस नाम जो पीछे लिखा हुआ दैट इज अ पेन नेम, दिस ऑफिसर इज एन एसएफ ऑफिसर, वो सब अलग ही लेवल पे गेम चल रहा है, बट ये किताब इज अ जैम। मैंने बोला कल तुझे स्क्रीन आउट नहीं होने दूंगा भाई, इतना वादा है भाई का, क्योंकि बात करता था उनसे तो उनको लगता था कि यार ये मेहनत तो कर रहा है पर बेचारे का हो नहीं रहा है, स्क्रीन आउट हो रहा है। मतलब तो 3 अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो चुका था, आउट ऑफ 8 एफकेट्स एयरफोर्स वाले 4 बार स्क्रीन आउट कर चुके थे, तो हिम्मत टूट जाती है आदमी की। मैंने कहा यार आर्मी में तो मैं स्क्रीन आउट होने के लिए नहीं बना, आई 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 पर्सनली फेल्ट कि मैं अगर एयरफोर्स में नहीं होगा तो मेरा आर्मी में जरूर हो जाएगा, बिकॉज मैं कुछ तो है मेरे अंदर ऐसा। तो वहां पे क्या हुआ सीन, मैं गया, और तुम्हें याद होगा एसएसबी स्क्रीनिंग के डूज कितने बच्चों के पास, वो डूज है मैंने भेजे है ना सबको, एसएसबी स्क्रीनिंग डूज एंड डोंट्स पीपीटीटी वाले, ऋतिक तेरे पास होंगे वो वाले, तुझे याद होगा तो मैंने दिए थे सर ना। होंगे बट सर्च करना पड़ेगा। हाँ हाँ दिए थे पीडीएफ आपने। दी थी कि स्टेज वन में ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ऐसे बोलना है, पॉइंट 3 ऐसे बोलना है, पॉइंट 4 ऐसे बोलना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, जीडी में कैसे इनिशिएट करना है। उन्होंने वो सारी चीजें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज में भेजी, उन्होंने बोला कि इसको 8-10 बार पढ़ ले भाई। वो कहते हैं ना जब मरता क्या ना करता वाला हिसाब है ना, जब आपके पीछे ना रॉकेट का तरह आग लगी हो ना, फायर मोड में हो जब तुम, और तुम्हें पता है अब आगे या तो ये है या फिर खत्म है मामला, तो कुछ और ऑप्शन था नहीं। 11:30 बजे आया था मेरे पास मैसेज रात को भाई, 11:30 बजे मैसेज आया, 1:15 बजे तक मैंने उसको पढ़ना चालू किया। भगवान की कृपा से माई रीडिंग स्पीड इज वेरी गुड, मेरी रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट है, मेरे को बहुत कम समय लगता है पढ़ने में, मतलब रीडिंग पन्ने पढ़ने में मेरे को बहुत कम समय लगता है, क्योंकि मैंने उस पर बहुत मेहनत करी है। मैंने वो पढ़ा समझा सारी चीजें समझी, मैंने कहा अच्छा पॉइंट नंबर 1, फ्रेंड्स इन द पिक्चर शोन टू अस आई फाउंड आउट दे वर डैश कैरेक्टर डैश डैश डैश, एज रेंजिंग बिटवीन इतना से इतना, ऑल आर इन पॉजिटिव मूड, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ माय स्टोरी इज डैश है ना, एंड एक्शन ऑफ माय स्टोरी इज दिस, माय स्टोरी गोज एज फॉलोस, फिर मेरी स्टोरी होती थी एंड में, फिर मतलब मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस में वो आज भी ऐसे फिट है ना, अगर कोई बच्चा मेरे को पूछे सर मेरा कल एसएलसी है मैं स्क्रीन आउट नहीं होना चाहता, वो आई आई कैन नॉट टेल यू कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम बीटेक वाले जो एसएससी टेक और टीजीसी वाले होते हैं जो मुझे कोरा पे मैसेज करते हैं, फेसबुक पे मैसेज करते हैं, लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं, बिकॉज आई राइट अ लॉट अबाउट आर्म फोर्सेस कि सर प्लीज हेल्प कर दो, एक कॉल पे निपटा देता हूँ और वो बच्चा कॉन्फ्रेंस आउट होके आ जाएगा, स्क्रीन आउट तो नहीं होता। और ये चीजें मैंने खुद से प्रैक्टिकली इम्बाइब करके सीखी है, वही तुम्हें मिलने वाला है। तो मेन मुद्दा ये कि मेरा जो लर्निंग है वो तुम्हारे काम आएगा, उसको तुम कैसे लेते हो, अपने प्लस में लोगे अपने माइनस में लोगे। अभिषेक अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ में था क्लास में, उसने एक सेशन में ये बोला था कि यार कंटेंट लिमिटेड रखना, बहुत अच्छी बात बोली, और ये बात ऋतिक ने भी बोली कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो नोट्स में दे रहा हूँ उस पर भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर तुम आए हो मेरे पास, ये भाई का इतना वादा है तुमसे कि मैं तुम्हें गिरने तो नहीं देने वाला, ठीक है, तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा कभी, ठीक है, तुम्हें बस एक चीज करनी है यार, बात माननी है। अगर तुम 6 महीने मेरी बात मान लेते हो तो जीवन भर तुम अच्छे अवस्था में पहुंच जाओगे। अगर मान लो फौज में नहीं भी होगा ना, तो मैं तुम्हें इतना हेल्प कर दूंगा, इतना सिखा दूंगा, इतनी चीजें बता दूंगा कि तुम कहीं ना कहीं अच्छा कर लोगे लाइफ में। एंड आई थिंक ऋतिक ये चीज तेरे साथ भी थी एक टाइम पे ना, कि जॉब वगैरह नहीं लग रही है, सर एसएसबी में हो नहीं रहा तो क्या करूंगा, प्लान भी नहीं है यस कुछ, सर, है ना, तो आई थिंक अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तू चालू हो ही गई है तेरी स्टार्टिंग, यस सर, काफी अच्छा चल रहा है अभी। ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है यार। और सबसे बड़ी बात है जैसे ऋतिक ने बोला रिलैक्स रह के पेपर देना होता है, रिलैक्स माइंड से तैयारी भी करूँ, व्हाट कुड बी द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन, वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू, क्या क्या हो सकती, क्या हो सकती है वर्स्ट, व्हाट कुड बी द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू इज दैट तुम फेल हो जाओगे पेपर में, फेल ही तो हो गए, जीवन थोड़ी ना खत्म हो गया, मैं भी हुआ हूँ फेल, मैं तो बहुत फक्र से बोलता हूँ, लोगों को मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे लिख देते हैं 8 out of 8 CDS क्लियर, 7 out of CDS क्लियर, मेरा सिमरत सहोटा का एपिसोड नंबर 57 देखना फौजी सो का, मैंने उसमें क्लियरली बोला है कि भाई मेरे इतने पेपर फेल हुए हैं, फिर मैंने इतने पेपर पास किए हैं, तो मैंने फेल होके वो सीख लिया कि जो मेरे बच्चों को पास होने फेल होने से बचाता है, वो कर चुका हूँ मैं एक्सपेरिमेंट, वो तुम्हें नहीं करना, कभी तुम्हें डिमोटिवेशन या हिम्मत टूट जाए ना जिस दिन तुम्हारी, जब जीवन में अंधकार हो जाए, जब समझ में ना आए, तो मेरे को सुबह 9 से 11 के बीच में कॉल करना, मैं उस टाइम फ्री रहता हूँ, ठीक है, तो तुम्हारी वो चीज़ का भी सोल्यूशन है, तो दैट इज द मेन थिंग, प्लस हार्ड वर्क, ऑलवेज वर्क वेरी वेरी हार्ड ऑन एवरी सिंगल डे बेसिस, है ना ऋतिक, तेरे को एवरेज तेरा स्टडी टाइम कितना रहता था, बस एक चीज और बता दे लास्ट, विद जॉब हाँ विद जॉब, मतलब
विद जॉब या जब तू एस्पिरेंट भी था तो मतलब एवरेज तू कितने घंटे निकाल लेता था? ये दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। सर, जब मैं एस्पिरेंट था हाँ तब तो 2 घंटे तो मैं आपकी क्लास में ज्वाइन करता था, वो मेरा हाँ स्टडी टाइम था, ठीक है और उसके बाद मैं लिटरली बता रहा हूँ 2 से 3 घंटे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मैंने नहीं दिए। और जब मैं जॉब पर हूँ, मैं अभी सिंपल बता देता हूँ, मेरा 2 घंटे सुबह का जाता है और शाम को मैं सिर्फ वो रिवाइज करता हूँ जो मैं सुबह पढ़ चुका हूँ। तो वो स्टडी टाइम ही, वो रिविजन टाइम है, 3 से 4 घंटे एवरेज आप मान के चलो। बट ये है कि मेरे पे एकदम बर्डन नहीं आता है। दिक्कत ये होती है जब आप एकदम 1 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आप पे बर्डन आ जाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा पड़ा होता है और कवर करने का टाइम नहीं होता। तो मतलब तुमने देखा कि अभी इसके पेपर इसके बेसिकली पास हो चुके हैं और ये अभी भी मेहनत करने से बच्चा पीछे नहीं हट रहा है। ठीक है, तो यार ये चीजें तुम्हें अपने अंदर लानी पड़ेगी, अपना मतलब पर्सनालिटी ऐसा बनाना है कि एकदम मतलब रिजिड नहीं रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है। लाइफ में सिचुएशंस आएंगी, ऑड सिचुएशंस आएंगी, ऑड डेज आएंगे, डिमोटिवेटेड डेज आएंगे, हिम्मत टूटेगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हारे फेवर में नहीं होंगी, पर जब वहां पे तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू हैव टू लाइक शो योर करेज। ऑफिसर बनने वाले हो, कल को लीडर बनोगे, लीडर बनना है ना, तो लीडर वाली क्वालिटीज इम्बाइब करो, हर दिन फील लाइक एन लीडर। सबसे पहले खुद को लीड करना सीखो, अपनी तैयारी को लीड करना सीखो। तुम्हारे को पढ़ने की दिक्कत थी कि यार सर पेपर नहीं निकल रहा, आगे बैच में वो प्रॉब्लम सॉल्व, सर कंटेंट कहाँ से मैं दे रहा हूँ, करंट अफेयर्स ढूंढने नहीं है, नोट्स बनाने नहीं है, प्रिंट आउट लेना है, बस पढ़ना है, बात माननी है, पेपर निकल रहे हैं। आई थिंक और इससे ज्यादा कुछ किया था क्या ऋतिक तूने, और कुछ करा था एक्स्ट्रा? ऋतिक आई थिंक क्लास ही करी सर थी, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, क्लास क्लास ही है सर, क्लास करी और फॉलो किया हो गए, नोट्स बस। के रिवीजन हो गए, और आप जो मॉक टेस्ट देते थे वो प्रैक्टिस हो गई। इसके बस सिवा अगर मैंने एडिशनल कुछ किया है तो हाँ, मैंने टेस्ट बुक का पास खरीदा था मॉक पेपर लगाने के लिए, जिसके मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता था कि सर इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, और वो भी मैंने अपने नंबर पे लॉग वो इन चीज। रखा था इनको, इन लोगों को, कि हाँ, अगर वो भी आपने नंबर दिया था और आप डांट भी देते थे कि यार इतना पढ़ने के बाद भी इतने कम नंबर ला रहा है, अगली बार इतना इतना चाहिए। हाँ तो मैं पीडीएफ मंगाता था ना कि भाई भेज तो कम से कम, वहां पे भी मैंने अपने पैसे से खरीद के दिए थे इन लोगों को, मतलब कि मैं अपने नंबर पे लॉग इन है मेरे पास, अगर किसी को मॉक लगाना है तो मेरे से ओटीपी लेके वो बच्चा दे सकता है, पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। तो इतना इजी है पेपर पास करना, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार, डरो मत, हो जाएगा पास। ठीक है, आई थिंक आज इतना ज्ञान मिला है तुम्हें, आज इतनी लर्निंग्स मिली है, इनकी रिकॉर्डिंग भी जाएगी तुम्हारे पास टेलीग्राम में। ऋतिक आराम कर तू अब, ठीक है, थैंक यू भाई ज्वाइन करने के लिए, यस सर, रेस्ट कर, और यस बहुत सर, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, होपफुली इस बार हो जाएगा काम, मेरे को लग रहा है इस बार हो जाएगा, दिल थैंक से यू सर, बात यार, भाई के दिल से आती है थैंक तो यू हो सर, जाएगा। ठीक है, 3-4 बच्चे हैं अपने जी जिनका सर, इस बार होना चाहिए, उनमें से तू भी एक है, और ये अभिषेक है, ये भी बहुत मेहनती बच्चा था अभी, कपिल जो था, और हेमंत, हेमंत भी आया था, हेमंत का भी है। तो आई हैव सीन यू गाइस फ्रॉम लाइक यहाँ से यहाँ तक, तो मेक इट हैपन फॉर मी यार। ठीक है, श्योर सर, चलो जय हिंद, आई विल सी यू। जैन सर। ठीक है, तो अभी वी गॉट सम टाइम फॉर अस, तो बताओ कैसा लगा तुम लोगों को अपने भाइयों से मिलके, जो कि तुम्हारे बैच के हैं और तुम्हारे साथ के ही हैं, और पेपर इन्होंने निपटा दिया, कुछ समझ में आई चीजें? यहाँ पे और भी नए बच्चे हैं, इनको लग रहा होगा कि यार कहीं हम आके सर के पास फंस तो नहीं गए, बताओ आज के पेपर में फेल कौन हुआ है? अच्छा मुझे यार ये तो मैं भूल ही गया, जिसने ये पेपर दिया था कोई ऐसा है जो फेल हुआ है? ओके, और कौन है बता दो ईमानदारी से यार, कल को फिर तुम्हारा भी नंबर आएगा, ऐसे इंटरव्यू लूंगा तुम्हारा भी। साहिल, और कौन है? बहुत सारे तो डर के मारे नहीं उठाने वाले। ठीक है, तो साहिल में इतना करेज तो है, चल गुड यार, कोई नहीं, तेरा अगली बिल्कुल बार पास करवाएगा पेपर, अगली बार करना है पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितने नंबर बन रहे थे तेरे साहिल? बस पीडीएफ में देख के दिमाग के लिए है, तो अभी ज्यादा देखा पीडीएफ नहीं है वैसे, नहीं, पीडीएफ में देख के, मतलब सर ज्यादा तो पीडीएफ नहीं आया, रोल नंबर नहीं था ना तेरा, यानी पेपर नहीं निकला, नहीं पर सर। जब हाँ आंसर की डाली थी, आंसर की से चेक किया था कितने नंबर बन रहे थे तो मैं चेक ही नहीं करा था पेपर आने के बाद। भाई, ये तो करना पड़ेगा ना, आंसर की निकालो और अपना पेपर वेपर देखो, ये सिंसियर अप्रोच रखनी पड़ेगी, ये हवा में नहीं होता भाई, मेरी बात समझ, हवा में तो बिल्कुल नहीं होगा, लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा, ख्वाब ख्वाब देखने से नहीं होता,
था पूरा करने के लिए दिन रात की मेहनत लगती है। मैं आज भी पढ़ता हूँ, मेरे भी अभी कुछ ऐसी चीजें जो पूरी नहीं हुई है जिनमें, कुछ अधूरी इच्छाएं हैं लाइफ में जो करना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं आज भी मेहनत करता हूँ। मैं 28 साल का हूँ, ठीक है। 28 साल में, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया जीवन में, बट आई थिंक आई एम एट अ गुड प्लेस कंपेरेटिव टू माई पियर, जो मेरे क्लास में मेरे बैचमेट्स। मैं दिल्ली में सेटल हो गया, आई हैव अ गुड जॉब दैट पेज मी वेल, 6 फिगर सैलरी। अब 6 फिगर सैलरी बोल रहा हूँ तो 1 लाख के ऊपर ही मान के चलो, 1-1.5 लाख के ऊपर है, ठीक है। आई हैव अ होम ऑन माई नेम दिल्ली के अंदर 28 साल की एज में, तो यानी मैंने मेहनत तो करी है, ठीक है। अगर तुम उस लेवल पे जाना चाहते हो तो आज मेहनत कर लो, 1 साल 1.5 साल मेहनत ऐसी कर लो कि लाइफ में ना फिर दिक्कत नहीं आएगी। बस समझ में आ रही है? तो ये सब आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सोना छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको खाना छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको आलस छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना जिसने मेरे को यहाँ तक पहुंचाया, पढ़ाई और मेरी एक विल पावर कि यार मैं गिवअप तो नहीं करने वाला, मैं लाइफ में अपने लिए तो अच्छा सोचूंगा, मैं कभी साला हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फेल हो जाऊंगा 1-2 बार, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा, मैं चीजों को अपने फेवर में करता चला जाऊंगा, मैं नेटवर्क बनाता चला जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं अच्छे लोगों के साथ सर्कल बनाऊंगा, अपनी ग्रोथ इंश्योर खुद करूंगा। तो ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा। तुम्हारा टारगेट सिंपल सा एक ये रहना चाहिए कि यार 6 मंथ्स डाउन द लाइन आई नीड टू क्लियर दिस एग्जाम। अप्रैल में पेपर है, फरवरी में एफ गेट है, मुझे पेपर पास करना है। साम दाम दंड भेद, कैसे होगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसके लिए तो तुम क्लास में हो ही, करना तुम्हारे को है। अब इन बच्चों ने जिन जिनने किया है वो रिकॉर्डेड कंटेंट तुम्हारे पास रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें सीखनी है आपको, ठीक है। हाँ ईशान, यस टेल मी। सर ये सेक्शनल कट ऑफ कितना है? क्योंकि गूगल पे ना एक सर्टन सेक्शनल कट ऑफ नहीं दिखा रहा कोई, देख हर सेक्शनल साल का कट कुछ अलग अलग। ऑफ, मैं बताऊँ सेक्शनल कट ऑफ का सीन ये है कि सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है, जैसे मान लो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकंड 1 सेकंड स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। जैसे कोई सब्जेक्ट है तुम्हारा, चलो यहाँ व्हाइट बोर्ड आ रहा है इसका, जूम का वही देख लेते हैं, दिख रहा है सबको? यस सर, ये देखो, अगर मैं बांधता हूँ सेक्शनल कट ऑफ, कलर सही है, दिख रहा है तुमको कलर से, इस वाले कलर से सबको? हाँ सर, हाँ सर, थोड़ा सा बिल्कुल डार्क कर लेते हैं। सेक्शनल कट ऑफ मान ले तेरा एक पेपर है जीके का, ठीक है, एक पेपर है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में अगर मैं तुम्हें बात करूं, जैसे मान लो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, स्कूल कॉलेज में पेपर देते हो, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 में से कितने पे पास होते हैं अपन? 33.33, 33 पे। 12th में 33 पे सर। पास होते थे ना यार, बीटेक में कितने पे पास होते हैं? 30 पे पास हो जाते हैं ना बीटेक में, 30 पे होते हैं ना चालीस सर, तुम्हारे यहाँ? 40 है, हमारे यहाँ में 30 था भाई, हमारे यहाँ 30 पे पास था आदमी, ठीक है। 50 में से 15, चल मान ले 33% पे बंदा पास हो रहा है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गेम अलग है। अगर मान ले सीडीएस जीके की कट ऑफ जो गई है वो मैक्सिमम गई है तेरी 24, मिनिमम गई है 17-18। जीके में पास होने के लिए एटलीस्ट इतना चाहिए, पर दिस इज नॉट द ओनली थिंग। इंग्लिश में अगर मैं बात करता हूँ, इंग्लिश की कट ऑफ जाती है लगभग लगभग 35 से 40 मार्क्स। आप थोड़ा सा समझना बच्चों लॉजिक क्या है इसका, थोड़ा सा यार लॉजिक समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई होप यू गाइज विल बी एबल टू रिलेट विद मी ऑन दिस। इंग्लिश की कट ऑफ अगर इतनी जा रही है 35 से 40, तो मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ, मैं तुम्हें कितनी बार बोला हूँ कि तुम्हें कितने नंबर चाहिए? 75+, हाँ या ना यार? एक बार यस सर, मैं कुछ बोलूँ ना तो रिस्पॉन्ड किया करो, डू नॉट बी अ डेड स्टूडेंट, दिस इज फॉर एवरी वन। सारे सेंसेस ओपन करके बैठा करो, ठीक है। 75+ कट ऑफ मैं बोलता हूँ, 75+ जाओगे तो सेफ जोन में है वो, क्यों हो अब मैं बताऊंगा। इंग्लिश में इतनी हो गई 35-40, तुम्हारे नंबर आ गए मान लो 75। तीसरा सब्जेक्ट होता है मैथ्स, दैट इज फॉर IIM AFA वगैरह के लिए, मैथ्स की कट ऑफ जाती है 30 से 35, 30-32 के आसपास मान लो मोटा मोटी, ठीक है, इतनी तो जाती है यार मैथ की। और ये नीचे भी जा सकती है, इनफैक्ट दिस कैन गो डाउन एज वेल, बट ये 25 से नीचे कभी नहीं जाएगी, ठीक है ना, 25 से नीचे ओके नहीं। तो तुम लोग एक चीज सोचो कि तुम, हो सकता है कि तुम्हारी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो, ओवरऑल ना क्लियर हो। मान लो तुमने इंग्लिश में स्कोर किया कितना, इस सेशन 10 मिनट का और है, थोड़ा सा फोकस रह के सुन लो। लेट अस सपोज यू गाइस हैव स्कोर, 25।
75 स्कोर कर लिया मोटा मोटी मान लो। मैं बोल रहा हूँ कि जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया, जितना भी मैंने तुम्हें कंटेंट दिया, जितना भी मैंने तुम्हें ज्ञान दिया बच्चों, उसके हिसाब से तुम्हारे नंबर कितने बन रहे हैं। तुम्हारे नंबर बन रहे मान लो जीके में, अगर तुम्हारा स्कोर इतना है ना 35 से 40, मान लो तुम्हारा 35 बन गया, अब ये कितने नंबर हो गए, 5 और 5 10, हासिल लगी 1 साल, 8 और 3 11, 110। ओटीए की कट ऑफ कितनी जा रही है अब आज की डेट में, ओटीए की कट ऑफ जा रही है मान लो 95 से लेके 110, यानी कि तुम्हारी ये तो पास हो गई इतने नंबर पे। आईएमए की जाती है तुम्हारी, इसमें 15 नंबर और ऐड कर लो, 125 के आसपास। एएफए की जाती है, वन फिफ्टी, 145 से 150, जिसके नंबर 150 के ऊपर है ना उसके सारे पास हो जाते हैं, सारे अकेडमी, सारे अकेडमी के लिए आ जाते हैं उसके नंबर, यानी कि जो 165 मार्क्स हैं इसके अभिषेक के। ठीक ओके, है, जैसे कि 150 होगा तो वो भी एएफए में होगा ऐसा सिर्फ। अच्छा अब ये बात भी तेरी बात सही है, 150, हाँ अगर 150 है, टोटल 150 मार्क्स हैं, ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया टिक हो रहा है, ये वाला क्राइटेरिया टिक हो रहा है, यानी इसकी कट ऑफ भी क्लियर है, इसकी कट ऑफ भी क्लियर है, मैथ की कट ऑफ भी क्लियर है, और सारे नंबर जोड़ के इतने हो रहे हैं, इसके ऊपर है, तो तुम्हारे को हाँ एएफए ओके आईएमए ओटीए सब में नाम आएगा। ये ओके आता है बीटेक नेवल, नेवल आईएनएवी है, ठीक है, हाँ इंडियन नेवल एकेडमी। हाँ नेवी के लिए केवल बीटेक वाले एलिजिबल हैं, ये बात याद रखना, बीटेक और बीएससी ओके वाले और साइंस वाले, आईएमए में तो कोई भी जा सकता है जिसका नॉर्मल ग्रेजुएशन हो गया, पर एएफए में साइंस फिजिक्स मैथ चाहिए, 60 60 नहीं है इसमें, इसमें वो नहीं है, इसमें 60 वाला बाहर नहीं है, एएफए में वो 12th वाला आता है, वो ऐसा नहीं होता कि एफकेट नहीं में है, 60 ऐसा नहीं एफकेट है। में है, इसमें नहीं है, सीडीएस में नहीं है, सीडीएस में यूपीएससी एंट्री है, हाँ सीडीएस का जो फ्लाइंग है, सीडीएस का फ्लाइंग है पीसी फ्लाइंग, ओके परमानेंट कमीशन टिल रिटायरमेंट है बेटा। मैं तुझे एक चीज और बताता हूँ, अब तू बीटेक वाला है ना कुलदीप, ये समझ, इसमें 32 सीटें हैं हाँ पायलट्स की, टू और इसमें मैक्सिमम जो सीटें फिल हुई ना वो हुई है 7 आज तक, ओके बंदे नहीं मिलते भाई, बंदे मिलते हैं तो एप्टीट्यूड नहीं होता उनका। अब शिवांशु जैसा आदमी ये सोचे कि मेरा एएफए में फ्लाइंग में हो जाएगा, पर पढ़ता तो वो है नहीं, तो कैसे होगा। ठीक है, जितना भी मेरा रिकॉर्ड रहा है ना, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, टेन्योर जो रहा है, जो भी इसमें मेरा रहा है एक्सपीरियंस, जितने भी बार मैंने पेपर सीरीज का पास किया भाई, सिंपल सा लॉजिक इतना है कि बीटेक वाले बच्चे, मैं अब ये नहीं बोल रहा कि सर आप तो बीटेक वाले हो तो यार आप इसलिए ना बार बार बीटेक बीटेक वालों का कर रहे थे, भाई सिंपल सा लॉजिक ये है कि इंजीनियर्स हैव एन एज, दे विल ऑलवेज हैव एन एज, साला वो इतना फिजिक्स मैथ पढ़े हुए हैं ना, उनको तुम बीट कर ही नहीं सकते, मानता है कि नहीं मानता कुलदीप, कैसे हाँ वो तो सही है। हाँ करोगे बीट बताओ, दे हैव अ टेक्निकल एक्सपर्टीज इन दैट, या तो आप बहुत ज्यादा फन्ने का हो तो तुम बीटेक वालों को ठीक है क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज आप साइंस ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ये है बेटा ओवरऑल कट ऑफ का गेम ये है, ठीक है, समझ गए तुम लोग किस तरीके से कट ऑफ का सिस्टम काम करता है, यू नीड टू क्लियर द सब्जेक्ट का कट ऑफ, देन यू नीड टू क्लियर द अकेडमी वाला कट ऑफ, तब जाके तुम्हारा जो है सारा का सारा सिस्टम क्लियर होगा। किसी के मन में कुछ ओके सवाल? क्लियर। हम लोग ने कंसीडर किया अभी इंग्लिश में 75 मार्क्स, तो अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 85 to 90। मेरा आवाज आ रहा है ना सर, एटी फाइव, या हाँ आ रहा नेटवर्क है, थोड़ा ठीक इशू है? है हाँ सर, तो 85 to 90 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने पड़ेंगे अगर 75 तक रीच करना है तो। हाँ, और क्या, तो सर मेरे डाउट था कि अभी इसमें से गलत भी होते रहेंगे, तो आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन बता सकते हो कि ये क्वेश्चन इतने क्वेश्चन किए तो हम सेफ जोन में, माई अप्रोच पूरे 120 मेरा को क्वेश्चन समझा मतलब मैं समझ गया, मेरा सिंपल सा अप्रोच रहता है, इंग्लिश में। जितने भी बच्चे मेरे बैच के पास हो रहे हैं, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, रीड रीड एंड रीड एंड देन प्रैक्टिस, रीड एज मच एज यू कैन, क्लास अटेंड करो, रिवीजन करो, खत्म करो कहानी, भाई 120 के 120 क्वेश्चन करोगे तो जाके इतनी गाड़ी पहुंचेगी, 96 स्कोर किया है भाई ने 100 में से, आई प्राउडली से दैट, ताल ठोके बोलता हूँ, ओके करें नंबर लाए, मेहनत करिए ना भाई।
कोई सेफ सर स्कोर एंड ये कट ऑफ जीएस रूल के लिए कितना, क्या? जीएस के लिए कितने, जीएस के लिए कितने क्वेश्चन सेफ रहेंगे, मतलब सॉल्व करना पैंतीस चाहिए आपके पैंतीस हिसाब से? 35 to 40 100% एक्यूरेसी से, सर बट 35 to 45 से 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, समझा? ओके बट सर एक डाउट था सर, ये मार्क्स तो अराउंड 34 35 ही बनेंगे ना फिर तो, अगर 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हाँ तो भी तो पास हो वो गए ना। सेक्शनल हाँ कट ऑफ क्लियर होता है क्या, सेक्शन उससे कट ऑफ क्लियर हो जाएगा और क्या। पास हो जाता है ना? हाँ, ये तो इतना मैं बता रहा तो हूँ इस, मिनिमम 40 क्वेश्चन तो करना ही है। यस यस इतना मैं बता रहा हूँ, इस पे रिजेक्ट मत होना कि इतना सर ने बोला तो यार यही करने, भाई जितने आ रहे हैं उतने करो। ये तो अभी अपन सीख रहे हैं, जब पूरा सिलेबस खत्म कर चुके होगे ना तुम लोग, ठीक है, जब तुम पूरा सिलेबस खत्म कर चुके होगे तो फिर कहानी कुछ और हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? यस सर, ठीक है ना? ओके हाँ तो ये सर। है, सो अकॉर्डिंग सर आप बोल रहे हो कि एक 40 क्वेश्चन तो मतलब हो ही जाएंगे, तो मिनिमम उतना तो करना ही पड़ेगा, एंड इंग्लिश के 120 करने चाहिए बस बस ठीक है। सारे। हाँ ज्यादा कंफ्यूज मत हो, पहले पूरा सिलेबस खत्म कर, उसके बारे में हम इस बारे में बात करेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में 120 करने हैं तो 120 कर, जो मैं बोलूँ वो करो तो निकल जाएगा। जहां अपना दिमाग लगाने लगे कहानी खत्म होने लगी। 120 चाहिए तो 120 चाहिए। अब तुम पेपर जब सारा सिलेबस खत्म कर चुके हो, पूरी क्लासेस अटेंड कर चुके होगे, तो भाई साहब 120 आपके आ जाएंगे, पढ़ने लगेंगे। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहा ठीक है, अब एक सेकंड यहीं पे रहना सारे बच्चे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तुम्हारे मेन ग्रुप पे अभी मैंने जो चीज़ें तुम्हें बताई हैं, कहाँ गया यार? अरे हो गया, चलो ठीक है। तो ये सब है, आई थिंक आज का सेशन बहुत ज़्यादा वो था। यहाँ पे तुम्हारे साथ एक्चुअल वो बच्चे थे अपने जिन्होंने चीज़ें फॉलो करके गेम बजा दिया पेपर का। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम कैसे करते हो। इस बार तुम्हारे पास प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा टाइम है, तुम्हारे पास मस्ती करने का भी टाइम होगा। दिवाली वाली पे मैं छुट्टी देता हूँ, टेंशन मत लो। मेरी भाई की शादी भी है नवंबर में, 25 तारीख को मेरे भाई की शादी है। ऑल ऑफ यू गाइज आर इन्वाइटेड, छोटे भाई की शादी है मथुरा में, कोई आसपास होगा तो प्लीज कम, आ जाना सब बच्चे। ठीक है, तो उस दौरान 2 3 दिन में क्लास ऑफ रखूंगा, 24 25 26 3 दिन छुट्टी रहेगी अपनी, और समय अपने पास इतना है कि हम 2 बार 3 बार सिलेबस खत्म कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज का। क्लियर हुआ कहानी? यस क्लियर चलो, यस सर। और ये वाली टेम्पलेट जो मैंने अभी यहाँ पे जो भी लिखा है ना, ये मैं तुम लोगों को ग्रुप पे दे दे रहा हूँ, उसको सेव कर लेना, ठीक है? मैंने भेज दिया, सेव कर दी मैंने फाइल सी। मतलब ये गेम समझ जाओ, कट ऑफ वाला। कट ऑफ के चक्कर में मत रहो, पूरे क्वेश्चन सही होने चाहिए। कट ऑफ निकाल दो दिमाग से यार, कट ऑफ के चक्कर में बब, कट ऑफ के चक्कर में बब की लंका लग गई है भाई। बब फेल हो गया है, पॉइंट पॉइंट 9 से फेल हुआ है एफकेट में, 0.9 से। और इस फादर इज अ सीईओ ऑफ अ फ्लाइंग स्क्वाड्रन, ठीक है? तो उसको तो बहुत बजाया गया है, वो पुराना बच्चा है बहुत। एनीवे बट उसका पैकेज लगा है 24 लाख का, तो वो सेटल्ड है लाइफ में, वो फ्लाइंग में जा रहा है वैसे भी, कॉर्पोरेट में कॉमर्शियल में, तो उसकी दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, तो मेन मुद्दा यह है कि कट ऑफ वट ऑफ दिमाग से निकालो, पूरे नंबर लाने के लिए बोलो। चलो आई विल सी यू टुमारो, एंड अभी इसको रैप अप करते हैं सेशन को। रिकॉर्डिंग अभी आ रही है आपके पास ग्रुप में, देख लेना, नोट्स बना लेना, जो बच्चों ने बोला है ना उन चीज़ों के नोट्स जरूर बना लेना, और ये सेशन को भी रिकॉर्ड किया है ये भी आ जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, ऑल राइट, कोई भी प्रॉब्लम थैंक यू कोई भी है सर, मुझे मैसेज कर देना, टेंशन मत लेना, भाई खड़ा है पीछे, डरना नहीं, चलेंगे मिलके पास। ओके चलो ऑल राइट, आई विल सी यू, जैन सर। जय हिंद बच्चों।